हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं कुछ नया करने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने 3 नींबू लिए हैं, तो इनको कट कर लेंगे। और मैं किस तरीके से मेहंदी गला के रखती हूँ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, नींबूओं को काट लिया है। अब नींबूओं को इस तरीके से कढ़ाई में निचोड़ देंगे, पूरा उनका रस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मेहंदी भी ले ली है, तो मेहंदी को भी डाल देंगे। और आप लोग देख सकते हैं कौन सी मेहंदी ली है मैंने। तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, अब इसको घोलेंगे। आप लोग चाहें तो चाय पत्ती का पानी भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। मैं थोड़ी जल्दी में थी इसलिए नींबू डाला और मेहंदी डाली, दोनों चीज़ें ही डाली हैं मैंने। तो यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से पहले बारीक कर लेंगे ताकि हमारे मेहंदी में गुठली नहीं रहे। तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो देखिए, अच्छे तरीके से घोल के, और देखिए मेरी मेहंदी घुल चुकी है। अब इसको इकट्ठा करके बीच में, और इसको ओवरनाइट रख देंगे ताकि हमारी मेहंदी अच्छे से काली हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैं किचन में आ चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने रात में दाल गला के रख दी थी, मूँग की दाल। तो मुझे बनाना है मंगोड़े। तो यहाँ पर देखिए, मैं मूँग की दाल की मंगोड़े की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर दाल धुली है, ये रात में मैंने पनीर बनाई थी, मैं हाथ में लिए हैं जो, तो ये मैंने पनीर बनाई थी। तो मैं पनीर दे रही थी बेटी को, क्या ये फ्रिज में रखा बेटा। तो यहाँ पे देखिए, पन्नी में मेरी धनिया रखी है, तो ये धनिया को निकाल लेंगे। तो मंगोड़ी के लिए भी निकाल लेंगे, और मुझे बड़ी ऐसी टमाटर की चटनी भी बनाना है, तो टमाटर की चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं गार्डन में से पालक काट के लाई थी ताज़ी ताज़ी, तो पालक को तोड़ कर रख रही हूँ। थोड़ा सा दाल में पानी था, तो मैंने सोचा पानी निकाल दे ताकि सूखी सूखी दाल अच्छी पिसके तैयार हो जाए। आप लोग चाहें तो सिल्वर ट्रे पे भी पीस सकते हैं, मैं मिक्सी में पीसूंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जाल ले लिया है, तो अब इसको 2 बार में पीसेंगे दाल को। यहाँ पे बाजू में मेरी भाभी थी, तो वो भी मदद करवा रही थी मेरी। तो देखिए, अब मैं दाल को पीस कर तैयार करूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, हल्का सा दरदरा करना है। ज़्यादा बारीक कर लेते हैं ना दाल को, तो मकौड़े अच्छे नहीं बनते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, मैं पालक भी धोने लगी थी। तो यहाँ पे अच्छे से पालक 2-3 बार धो लेंगे। तो देखिए, मैंने पालक धो ली है। तो यहाँ पे अब पालक को बारीक काट लेंगे अच्छे से। पालक को बारीक ही काटना चाहिए, आप लोग पालक भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं मंगोड़े में पालक डालती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सब लोग पसंद करते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक साइड से काट ली थी, दूसरी साइड से भी बारीक कर ली थी। तो मैं खूब सारी पालक डाल रही हूँ कि हेल्दी भी होती है, बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे धनिया भी ले ली है मैंने, तो धनिया को भी अच्छा बारीक काट लेंगे। इस तरीके से डालने से मंगोड़े में ये चीज़ें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रहा होगा। और आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोगों की वजह से ही मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने धनिया भी काट ली है, तो अब इसको भी डाल देंगे। तो देखिए, बर्तन फुल भर गया है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और बड़ा बर्तन लिया जाए, तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक तसला लिया, तो इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें मिक्स करतन नहीं बनना था। तो यहाँ पे देखिए, खड़ी वाली मैंने धनिया ली है 2 टेबल स्पून, वो डाल दी। 1 टेबल स्पून सौंप ली थी, तो वो डाल दी। यहाँ पर मेरी भाभी टमाटर की चटनी पीस रही है, और देखिए नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, और जीरा। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और सिलबट्टे पे मेरी भाभी चटनी बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए, तैयार हो चुका है। अब मैंने सोचा थोड़ा सा फैल चुका है, तो किचन को साथ साथ में क्लीन करते जाते हैं ना, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है हमारा किचन, तो मैंने साफ भी कर लिया है। मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, आप लोग चाहें तो सरसों के तेल में भी तल सकते हैं। मंगोड़ी में कभी कभी सरसों के तेल में भी तलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने झरिया सब रख लिया बर्तन इकट्ठे करके। अब मैं मंगोड़े तलूँगी बढ़िया, और ये सुबह का टाइम है,
करीब 9 बजे थे, तो बच्चों को गरम गरम नाश्ता भी देती जाऊंगी इसी का, क्योंकि बेटी को सर्दी थी इसलिए मैंने सोचा कि बेटा मंगौड़े बना देते हैं आपको, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो भी बना लेते हैं, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बातें भी करती जा रही थी, कुछ बोल रही थी। तो यहाँ पे देखिए मंगौड़े डालेंगे तो गोल गोल करके इस तरीके से डालते जाते हैं। तो देखिए ये आधे डन हो चुके थे तो मैंने इनको पलट दिया है, और ये देखिए हमारे मंगौड़े बन भी चुके हैं, तो अब इनको निकाल लेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी बने थे, आप लोग अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत पसंद आएंगे। और ये टमाटर की चटनी बन चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं बच्चों के लिए प्लेट लगा रही थी। देखिए बच्चे कितने शैतान कर रहे हैं, देखना है बच्चे। हाँ हाँ मम्मी को गुस्सा हो गए। हाँ फिर क्या हुआ? अच्छा फोटो उतर रही है इतने शांति से हैं? ये हाले ये ले खिंच गई। हाँ खिंच खिंच गई। यहाँ पे देखिए बच्चों को मंगौड़ी खिलाने के बाद, उनके साथ थोड़ा बैठने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी, तो अब मुझे मेहंदी लगाने थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेहंदी को अच्छे से फूल चुकी थी तो मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं पानी लगा रही थी तो वो पाइप बार बार उठा रहा था, बाहर कर रहा था। देखिए गार्डन में पाइप नहीं कर रहा था, मैं बोल रही थी कि गार्डन में कर दो, लेकिन वो बाहर निकाल रहा था। तो यहाँ पे देखिए भाभी भी आ चुकी है। नित्यम को बोल रहे थे कि ऐसा पानी देना पड़ता है ऐसा, तो उसको समझा रहे थे, तो वो फिर उठा के ले गए क्योंकि वो बार बार पाइप उठा रहा था, बाहर पानी फैला रहा था। तो मैंने कि बाहर पानी फैलाएगा फिर वो खुद कीचड़ करेगा और उसी में खुद अपने कपड़े भी गंदे करेगा। तो यहाँ पर भाभी अंदर ले गई थी, मैं धूप ले रही थी, तो भाभी बोली मैं लगा दे रही दीदी मेहंदी, तो मैंने सोचा लो लगा दो तो अच्छे से लग भी जाती है। तो यहाँ पर भाभी आ चुकी थी तो ये मेहंदी लगाने लगी है। तो देखिए अच्छे तरीके से मेहंदी लगाई है भाभी ने। हम लोग इस तरीके से मेहंदी लगाते हैं, आप लोग कैसे लगाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे देखिए लगा देगी अच्छे से। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेहंदी लगा ली थी, आपको दिखा रही थी। थैंक यू।